अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक 17 इंच का टीवी है जी। ये आप देख सकते हैं कि अब ऑन हो चुका है, लेकिन इसमें फॉल्ट ये आता है कि जब हम इसको ऑडियो वीडियो पर इसकी वीडियो के पेन लगाते हैं उस वक्त इसमें लहरें आ जाती हैं, वीडियो नहीं आती। ये देखो, ये वीडियो नहीं आ रही लेकिन इसमें लहरें आ रही हैं। अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसे है जी। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। मैं अभी से ओपन करने लगा। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने टीवी को ओपन कर लिया जी, ठीक है जी। अब हम इसका फॉल्ट ट्रेस करते हैं, इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है, कहीं से इसके वोल्ट बंद हैं, आईसी ख़राब है, क्या प्रॉब्लम है। अब मैं सबसे पहले तो इसके सप्लाई के और सभी इसके वोल्ट चेक करता हूँ, ठीक है। ये इसकी मेन सप्लाई 112 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। ये इसके 27 वोल्ट आ रहे हैं, 28 वोल्ट। ये इसके 11 वोल्ट आ रहे हैं, ये 16 वोल्ट आ रहे हैं, ये इसका ठीक वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये इसका वोल्ट चेक करते हैं। अब हमने इसके ये रेगुलेटर का वोल्ट चेक करना है, ये इसके 5 वोल्ट आ रहे हैं, ये भी ठीक आ रहे हैं, ये 9 वोल्ट भी इसके ठीक आ रहे हैं। ये मेमोरी के ऊपर ये भी इसके वोल्ट ठीक आ रहे हैं। इस बेस ड्राइव ये छोटे ट्रांसफार्मर पर जो वोल्ट हैं वो भी ठीक आ रहे हैं। गन्नों के वोल्ट चेक कर लेते हैं, ये भी तीनों ठीक आ रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे AFC वोल्ट और ABL वोल्ट। ये इसके ऊपर जो लाइनें आ रही हैं, ये एक ABL होती है, एक AFC होती है। ये इसकी ABL वोल्ट, ठीक है। ये इसके AC वोल्ट होते हैं, जो AFC वोल्ट होते हैं। वो भी इसके आ रहे हैं, लेकिन ये मीटर नहीं शो करता AC वोल्ट। अब हमारा फॉल्ट आ जाता है IC में, ठीक है जी। IC के ऊपर बहुत ज़्यादा कार्बन आ जाए तो फिर भी ऐसे हरकत करता है, ठीक है जी। इसको अच्छी तरह से वॉश करके चेक कर लेते हैं कि IC हमारा फॉल्ट दूर होता है कि नहीं होता। अगर ना हुआ तो फिर हमें IC इसका चेंज करना पड़ेगा। ये वाला इसका मेन IC, ये इसका मेन IC है जी। इसके ऊपर अगर कार्बन आ जाए तो फिर भी ये ऐसे हरकत करता है, ठीक है जी। अगर कहीं से लूजिंग हो फिर भी हो जाता है। अगर हम इसको कार्बन वगैरह तो इसको ऐसे करने पर इसको कार्बन वगैरह उतर जाता है, ये इसके पीने के जो सेंटर में आता है ना कार्बन, वो इससे ख़त्म हो जाता है। इससे भी हमारा फॉल्ट दूर हो सकता है, ठीक है जी। अब इसको पावर देकर चेक करता हूँ क्या इससे फॉल्ट हमारा दूर होता है कि नहीं होता। अगर इसमें कहीं लूजिंग हो तो फिर भी ऐसी हरकत आ सकती है। पावर इसको मैंने दे दी है, अब इसको फ्रंट से चेक कराता हूँ आपको। तो अब हमारा टीवी ठीक हो चुका है। इसको फॉल्ट जो हमें मिला है वो इसी कार्बन का ही मिला है, इसमें कोई चीज़ ऐसी ख़राब मिली ही नहीं, ठीक है। देखो वोल्ट भी इसके सभी ठीक आ रहे थे, इसलिए लिहाजा इसमें कोई चीज़ ऐसी ख़राब नहीं मिली। जो इसके ऊपर ये कार्बन बनता है वो ऐसा बनता है, ये इसके दो रिस्टेंस देख लें, ये इनके ऊपर ये कार्बन बना हुआ है ना, ये वाला ऐसा ही कार्बन IC के पिन के ऊपर बन जाता है, फिर वो आपस में स्पार्क करा देता है, इसलिए सेट हमारे को ऑन नहीं होना देता। ये ऐसा फॉल्ट बनता है इस ऐसे कार्बन से, ठीक है। मैं अब आपको फ्रंट से भी चेक कराता हूँ।
ये अब आप देख सकते हैं कि आप हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर चल रहा है जी, इसकी आवाज़ भी आ रही है। इसकी आवाज़ भी आ रही है और पिक्चर भी आ रही है। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।